अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, साइंस सिटी में आप लोगों का वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड अफेनस से ड्राइव किया गया है, अफेनस। और अफेनस का मीनिंग होते हैं अट्रैक्शन। इनके वर्ड मीनिंग की तरफ अगर हम लोग चलें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। किसकी अट्रैक्शन जी? एटम की अट्रैक्शन। अब आते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ, टॉपिक की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एम्प्टी आर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म यूनि नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी कि एक एटम को यूनि नेगेटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, रिलीज और एब्जॉर्ब का वर्ड हम यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब एनर्जी रिलीज कब होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, हम इस टॉपिक में इस चीज़ पे भी बात करते हैं आगे चल के। अभी यहाँ भी बात करते हैं जी, मैंने एग्जाम्पल जो ली है वो है क्लोरीन। अब बुक में भी और यहाँ पे भी हमने एक वर्ड लिखा है जी, आइसोलेटेड गैशियस एटम। यानी कि जिस एटम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, उस पर किसी दूसरे एटम की या उसकी किसी एटम के साथ बॉन्डिंग या अट्रैक्शन ना हो रही हो, फ्री पड़ा हो, आज़ाद पड़ा हो। जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब एग्जांपल में देखें जी, हमने क्लोरीन गैशियस एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जी, ऐड किया और क्लोराइड आयन में चेंज किया है। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है -349 किलो जूल पर मोल, इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद सेकंड है फ्लोरीन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, फ्लोराइड आयन में चेंज किया है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है -322 किलो जूल पर मोल। अब मैंने जो दोनों एग्जांपल लिए हैं वो दोनों एग्जांपल ऐसी हैं जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। कुछ ऐसे भी एटम हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करानी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस शेल में, जो आइसोलेटेड है गैसियस एटम पड़ा हुआ है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों में बड़ा क्लोज सा एक रिलेशनशिप चल रहा होता है जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जी, हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एलिमेंटल प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास क्या होती है, एलिमेंटल प्रॉपर्टी है। फिर वहाँ पे हमने एक बात की थी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है विद पॉजिटिव आर नेगेटिव साइन। यानी कि एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें ऑलवेज एनर्जी जो है वो एटम को देनी पड़ती है, यानी कि ऑलवेज एनर्जी जो है उसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है, उसमें रिलीज नहीं। इन दोनों में ये एक डिफरेंस आ रहा है जी कि एनर्जी में भी रिलीज और में भी एब्जॉर्ब। अब उसके बाद है जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए याद रखें मेजरमेंट ऑफ अट्रैक्शन है किसके लिए, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं उसके अंदर कितनी अट्रैक्शन है, वही बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। अब जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी, जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज होगी। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन जो है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जो कि हमारी रियल लाइफ के अंदर भी ऐसी है कि जब लोग दूर होना शुरू हो जाएँ तो फिर उनके लिए चाहत जो है वो भी हमारे लिए, उनके लिए क्या हो जाती है, कम होती जाती है, रियल रिलेशनशिप में भी। यहाँ पर भी आप इस चीज़ में इसको पिक कर सकते हैं कि जितना एटम, मसलन यहाँ पे ना हम एग्जाम्पल लेते हैं जी कि ये मेरे पास एटम है एक जर्नल सा जिसमें ये न्यूक्लियस, वेल फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल, यहाँ पे इनकमिंग ये इलेक्ट्रॉन है जिसको न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ क्या कर रहा है जी, अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद सेकेंड, ये फर्स्ट शेल सेकंड शेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस और इसके दरमियान
डिस्टेंस जो है वो कम है। इसका मतलब है न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रही है जी, कम है एज़ कम्पेयर टू इस जर्नल एटम के। उसके बाद हम आते हैं जी फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसमें सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा होता है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। अभी हमने ये बात की है कि जैसे जैसे एटम का रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी उसके लिए क्या होती जाती है, कम, क्योंकि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के क्या चल रहे होते हैं, इन्वर्स में चल रहे होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी सेम यही बिहेवियर हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद सेकेंड है जी शील्डिंग इफेक्ट, जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों होती है इस चीज़ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखें जी कि ये इनर शेल है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल है। इस शेल में हम इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। इस एटम पे बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हमारे पास है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, यही शील्डिंग क्या कर रहे होते हैं, कॉज कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास ये 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्ड जो है वो क्रिएट हो रही होती है। अब इनर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है जी, Z इफेक्टिव जिसको हम कहते हैं इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतना Z इफेक्टिव जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही वजह है कि शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमारे पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसी तरह एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सेकंड अजय जी, थर्ड हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही होती है। अभी यहाँ पे भी हमने बात की थी मेजरमेंट ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान जी, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतनी उसकी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी क्या होगी जी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ क्या करता जाएगा, अट्रैक्ट करता जाएगा। यही फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स की बेस पे हम इसी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो क्या करते हैं जी, डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड से मुराद है मेरी अक्रॉस द पीरियड एंड ग्रुप्स। पहले बात करते हैं जी पीरियड्स, लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे हम एक पीरियोडिक टेबल में मूव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमारे पास क्या आती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो है वो आता रहता है कि जी पीरियोडिक ट्रेंड जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो एक्सप्लेन करें। तो उसमें पहले तो आप यही लिखेंगे जी अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है, उसकी रीज़न यहाँ पे है जी। क्या है जी रीज़न, कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे हमारे पास एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, फैक्टर भी यही हमने डिस्कस किया है कि एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ होने से न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और फिर जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाएंगे वन बाई वन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मसलन अगर हम यहाँ पर बात करें लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो हैं जी 3, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए हैं 4, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए हैं 5। अब शेल तो उतने ही हैं क्योंकि हम सेकंड पीरियड में बात कर रहे हैं, शेल जो है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है जी, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी
अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट ऑलमोस्ट रिमेंस कांस्टेंट, बट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और एटॉमिक साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमारे पास क्या होती जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सेकेंड लिखेंगे जी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इंक्रीज हो रहा होता है, और उसके इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं जी कि ग्रुप्स के अंदर डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे आयोनाइजेशन इनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो रही होती है जी, आप उसकी रीज़न एक्सप्लेन करेंगे कि एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मूव करने के साथ साथ कंजेक्टिव यानी कि हमारे पास जैसे ही हम एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे मूव करके आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल जो है वो हो रही होती है, उस सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल की वजह से एटॉमिक साइज जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है डाउन द ग्रुप मूव करते करते, जिस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसकी वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इतने के डिस्टेंस से न्यूक्लियस क्या कर रहा है जी, अट्रैक्ट कर रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेकेंड जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पे अगर हम शो करें ना कि जी ये लिथियम है, इसके इनर शेल में दो, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम हमारे पास है जी सोडियम, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। लिथियम में हमारे पास प्रोटॉन कितने थे जी, 3 थे। अब जैसे यहाँ लिथियम से सोडियम पे मूव करके आए हैं तो शील्डिंग इफेक्ट, ये 10 इलेक्ट्रॉन जिसको हमने अभी बात की थी कि ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि न्यूक्लियस की फोर्स को वीक कर रहे हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिस वजह से हम कहते हैं जी कि ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या होती रहती है, कम होना शुरू हो जाती है। बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अगर हम यही बात कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अभी हमने कहा जी कि हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, हम हैलोजन पे बात करते हैं जी। हैलोजन हमारे पास है ग्रुप 7A जिसको हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन एक ग्रीक वर्ड से जी क्या किया गया, ड्राइव किया गया, जिसके मीनिंग होते हैं साल्ट फॉर्मिंग। अब इसमें सबसे पहले पहले हमारे पास है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में हमारे पास एस्टाटीन आ जाती है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करते। फ्लोरीन की हमारे पास एनर्जी जो है वो -322 किलो जौल पर मोल, क्लोरीन -349 किलो जौल पर मोल, ब्रोमीन -325 किलो जौल पर मोल, और आयोडीन -290 किलो जौल पर मोल। ये इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है। अभी हमने कहा जी कि डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन पे मूव करते हुए कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फ्लोरीन की क्या है जी, कम है, क्लोरीन की उससे क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। क्यों है जी, एक्सेप्शन है। एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगी तो क्वेश्चन वहाँ से लाजमी आएगा, एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी क्यों ऐसा हो रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन से कम क्यों है। तो उसके लिए उसकी रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन राइट करें 1s2 2s2 2p5, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है जी। उसके बाद क्लोरीन की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2
2p6, 3s2 एंड 3p5 न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल है जी हमारे पास कितनी है जी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेकंड शेल में, यानी कि ये 2s में और 2p के अंदर ये 7 इलेक्ट्रॉन है और एटम का साइज जो है वो स्मॉल है, यानी कि एक स्मॉल साइज के एटम को 7 इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो उनको इन्वेलप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, इन्वेलप कर रहा है, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन की अट्रैक्शन जो है वो क्या है जी कम है। जबकि क्लोरीन में हैं तो 7 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटॉमिक रेडियस जो है, वैलेंस शेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज़्यादा इन्वेलप नहीं कर पाते, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भी 7 हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हैं जो हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। बट फ्लोरीन में स्मॉल शेल को 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो कवर कर रहे होते हैं, इन्वेलप कर रहे होते हैं, जबकि क्लोरीन का साइज जो है वो उससे थोड़ा सा क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। जब साइज बड़ा है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, उतनी ज़्यादा शील्ड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ये इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रहे होते। और सेकंड रीज़न ये आ जाती है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इन 7 इलेक्ट्रॉन के थिक क्लाउड की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन तो है बट उतनी नहीं है जितनी रिपल्शन जो है वो किसके दरमियान थी, फ्लोरीन के दरमियान थी। ठीक है जी, ये था हमारा इसमें एक्सेप्शंस के जो एक्सेप्शन इसमें जा रही होती हैं, बाकी उसके बाद डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक और बात हमने बात की थी स्टार्ट में कि एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब, पहले मैं राइट कर देता हूँ कि एनर्जी जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मे बी पॉजिटिव आर मे बी नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन सी जी 1 फर्स्ट मे बी पॉजिटिव आर मे बी नेगेटिव। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जी पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। हम है ना सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को राइट करते हैं, सेकेंड पीरियड जिसमें हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट में हमारे पास क्या है जी नियोन। ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और ये लास्ट में हमारे पास 8A जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं और ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। अब लिथियम में यहाँ पे बात करते हैं जी, लिथियम में जो हम वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है या कंप्लीट चले राइट करते हैं जी 1s2 2s1, ये इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इजीली दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आप अकोमोडेट करवा सकती हैं। लेकिन जैसे ही बेरिलियम पे आते हैं 1s2 2s2 2p जो है एम्प्टी पड़ा हुआ है, जब इसका s कंप्लीट है और p जो है वो बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, यानी कि ग्रुप 2A के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे, पहले ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में था, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आप इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी कि बेरिलियम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमारे पास क्या आ रही होती है, पॉजिटिव आ रही होती है। उसके बाद मूव करते जाएँ, जैसे ही नाइट्रोजन पर आते हैं तो नाइट्रोजन की N7 1s2 2s2 एंड 2p3, यानी कि वैलेंस शेल में s जो है वो कंप्लीट फील्ड है, उसके बाद p जो है हाफ फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है,
पीजी में हमारे पास क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि अगर ऑर्बिटल फुल फील्ड या हाफ फील्ड हो तो वो स्टेबल ऑर्बिटल होती हैं। अब आप इस स्टेबल को क्या कर रहे हैं जी, डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। अगर आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, लॉस होगी। तो उसके अगेंस्ट क्या करता है, रजिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ रही होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो है। उसके बाद हम मूव करके जाते हैं नियोन पे, जो कि ग्रुप एट ए का एलिमेंट है। नियोन एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2 एंड 2p6। एस जो है कंप्लीट फील्ड है, पी जो है वो भी हमारे पास क्या है जी, कंप्लीट फील्ड है, कि 6 इलेक्ट्रॉन पी में अवेलेबल हैं। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। अब अगर आप नियोन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे, अब इसको स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। यानी कि अगर आप न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो न्यू शेल में जाके ऐड होगा, न्यू शेल क्रिएट करवाना पड़ता है। जब न्यू शेल क्रिएट करवाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसीलिए नियोन या नोबल गैसेस की बात कर लेते हैं, ग्रुप एट में जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप एट की फर्स्ट वाली जो है वो हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव है। मोस्टली स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा नहीं है। ग्रुप 2a, 5a और 8a जो हैं, इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो पॉजिटिव नहीं, सॉरी नेगेटिव नहीं होती। बाकी जो है ग्रुप हमारे पास 1a है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, इनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव, जबकि इनकी उससे थोड़ी सी हटके है। 2 की जो है वो हमारे पास क्या जी, पॉजिटिव आ रही है। 8 की भी क्या आ रही होती है, पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मे बी पॉजिटिव आर मे बी नेगेटिव, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए है कि लेट्स से हम ये ऑक्सीजन है, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और इसको यूनि नेगेटिव आयन बना दिया है, अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी जो है वो क्या हो रही है जी, रिलीज हो रही है। जब आप इस यूनि नेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों के दरमियान क्या होगी जी, रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिस बेस पे हम कहते हैं जी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी भी एलिमेंट की वो हमारे पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिलेटेड, जिसमें हमने डेफिनेशन और उसमें जो डेफिनेशन में कीवर्ड है जी, आइसोलेटेड गैसियस एटम, के एटम जो है बिल्कुल सेपरेट पड़ा हो, उस पर किसी किस्म की किसी दूसरे एटम की अट्रैक्शन ना हो या उसने किसी दूसरे के साथ बॉन्ड ना बनाया हो। एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे कोट किए हैं ये सिर्फ उन्हीं एलिमेंट की हमने ली हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट वन वो हमारे पास क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है एनर्जी, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पे ग्रुप टू की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी क्या है जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जबकि फर्स्ट वन जो है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, नेगेटिव है तो ये फिर क्या होगा जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर, फैक्टर के बाद पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के अंदर जो एक्सेप्शन आ रही होती है उस चीज़ को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।